सवाल नंबर 31। गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम शाखा कौन सी है? रेखा गणित, सांख्यिकी, बीज गणित, अंक गणित। इसका सही जवाब है अंक गणित। हमारा अगला सवाल है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है प्रदर्शन विधि। हमारा अगला सवाल है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, बालक के व्यवहार में परिवर्तन की विधि, पाठ्य पुस्तक से संबंधित विधि, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, जेकब एल मोरेने का संबंध किस विधि से है? प्रश्न उत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, समाजमिति विधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, समाजमिति विधि। हमारा अगला सवाल है, समस्या समाधान विधि का सोपान है सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, आंकड़ों को संगठित करना। इसका सही जवाब होगा निष्कर्ष निकालना। हमारा अगला सवाल है, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सभी। हमारा अगला सवाल, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। इसका सही जवाब होगा गणित। हमारा अगला सवाल है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित है, ये सबके विचार का आदर करता है, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ये तर्क पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है बेकन द्वारा, सुल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा, कॉमेर द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ब्लूम द्वारा। हमारा अगला सवाल है, ब्लूम टैक्सोनॉमी अंग नहीं है, समझ, बुद्धि, प्रयोग, यौन। इसका सही जवाब है बुद्धि। हमारा अगला सवाल है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह रटने की विधि है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, इसमें समय व शक्ति दोनों कम लगते हैं। इसका सही जवाब है विश्लेषण के पहले प्रयुक्त होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? हमारा ऑप्शन है क्रियाशीलता, वास्तविकता, मूल्यांकन, उपयोगिता। इसका सही जवाब है मूल्यांकन। हमारा अगला सवाल है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, अनुप्रयोग संबंधित प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रयत्नों में भिन्नता पाता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या हल करने की विधि चुनता है। इसका सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य से सर्वाधिक योगदान किसने दिया है? एक क्रेथवाल, ब्लूम, स्किनर, सिंपसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ब्लूम। हमारा अगला सवाल है, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं प्राप्त उद्देश्य, शिक्षा उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है शिक्षा का उद्देश्य। हमारा अगला सवाल है, गणित के मौलिक सिद्धांत का जन्मदाता है आर्यभट्ट, न्यूटन, प्लूटो, सीवी रमन। इसका सही जवाब है प्लूटो। हमारा अगला सवाल है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, क्लिपेट्रो, ड्यूबी, स्किनर। हमारा सही जवाब है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। हमारा अगला सवाल है, निगमन विधि का उपयोग होता है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र का प्रयोग करना, सूत्र का प्रयोग नहीं करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सूत्र का प्रयोग करना। हमारा अगला सवाल है, सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्रण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि, आगमन निगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। हमारा सही आंसर है
निगमन विधि। हमारा अगला सवाल है, विशिष्ट सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। इसका सही जवाब है आगमन विधि। हमारा अगला सवाल है, गणित शिक्षण के परिणामात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सजीवता। हमारा अगला सवाल है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। शिक्षक को पाठ याद कराना, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, विषय का गुट अध्ययन कराया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है, आकार, विस्तार, स्थिति, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है नागरिक शास्त्र, भूगोल, विज्ञान के साथ, समाजशास्त्र। इसका सही जवाब है विज्ञान के साथ। हमारा अगला सवाल है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, पारिवारिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। इसका सही जवाब है शिक्षण उद्देश्य। हमारा अगला सवाल है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है विद्यालय का आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण का आधारशिला, छात्रों का आधारशिला। इसका सही जवाब है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। हमारा अगला सवाल है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत वो कितने कलांशों के किन किन दिनों को पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर एक है इकाई परियोजना विधि, आगमन विधि, खोज विधि, निगमन विधि। इसका सही जवाब है इकाई योजना विधि। हमारा अगला सवाल है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होता है, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, कोई नहीं। इसका सही जवाब है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। हमारा अंतिम सवाल है, आगमन विधि का प्रमुख एक दोष है ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय निरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। इसका सही जवाब है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। ये थे हमारे आज के सवाल। हमारे पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।